हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे छोटा सा हैंड पर्स बनाना, जिसमें कि देखिए अंदर से ये हमने जिप वाली पॉकेट भी बनाई है, साथ में दो पॉकेट और हैं जिसमें कि आप आपका मोबाइल भी कैरी कर सकती हैं, कैश और कार्ड्स भी रख सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही और वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए हम ये पर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस पर्स को बनाने के लिए हमें 24 सेंटीमीटर लेंथ और 20 सेंटीमीटर विड्थ, यानी कि 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई का ये कार्डबोर्ड शीट ले लेनी है। इस शीट की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड ये नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपकी मशीन में ये चल सके। तो देखिए, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का हमने चौड़ाई ली है और बाकी का जो है 9 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो इसको हमें कटिंग कर लेना है ऐसे। और जो फ्लैप यानी के बैक का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर मैंने ये चूड़ी से गोल मार्किंग कर लेनी है, कर ली है ऐसे। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये सोफे का फैब्रिक था तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हमने सेलो टेप से इतनी इतनी दूरी पर, देखिए बीच में जो गैप है इतना ही होना चाहिए, हमें इस फैब्रिक को ग्लू गन से या फेविकोल से आप इस फैब्रिक पर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर गोलाई में हमें थोड़ा कट दे देने हैं और उसके बाद इसे इसके जो किनारे हैं अंदर की साइड यूँ फोल्ड करके पेस्ट कर लेने हैं। तो देखिए, हमने इस फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है और इसके किनारे हमें इस तरीके से मोड़ लेने हैं, बिल्कुल थोड़ा हमें खींच के करना है ऐसे। क्योंकि ये हमारा इस तरीके से पर्स के रॉन्ग साइड पे आएगा। तो ये देखिए, अब हम इस को यूँ रखेंगे। यहाँ पर हमें इस मैग्नेट बटन को लगाना है जो कि हमको किसी टेलरिंग मटेरियल शॉप में ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेंटर कर लेना है, सेंटर मार्क कर लीजिए और इस तरीके से हमें इसे यहाँ पे फिक्स करना है, चाहे तो आप किसी नोकीली चीज़ से यहाँ पे होल। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर होल से इसे फिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके रॉन्ग साइड पर ये एक तरफ का कैप होता है, इसे आप लगाएंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बिल्कुल ऐसे आप पहले इसका फ्लैप जो है मोड़कर देख लीजिए। पहले आप ये अंदर का कपड़ा रखेंगे, उसके बाद इसे फोल्ड कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इस कपड़े पर ही हमें इसका ये जो बटन होता है, चाहे टिच बटन हो, इसके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम ऊपर वाले कपड़े पे फिक्स कर लेंगे और इसकी कैप जो लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे यहाँ पे
से अभी हम अलग रखते हैं। अब हमने ये फैब्रिक लिया है जो कि चौड़ाई तो इसकी इतनी है जितनी की बैग की चौड़ाई है, यानी 8 इंच, और 6 इंच इसकी लेंथ है। और जिप ली है हमने 8 इंच की, तो यहाँ पर पहले हमें इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें इस जिप को यूं रॉन्ग साइड पे ऐसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले एक तरफ हमने जिप स्टिच की इसी फैब्रिक के, और फिर दूसरे सिरे की तरफ भी हमें जिप स्टिच कर लेनी है। इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई जो है इस पर्स के एकदम बराबर होनी चाहिए जिप वाली पॉकेट की चौड़ाई। अब ये 4x4 इंच के हमने 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं। ध्यान रखना है कि जो ये ऊपरी किनारा है ये कन्नी वाला होना चाहिए। अगर कन्नी वाला नहीं है तो आप इसको पहले से ही स्टिच कर लीजिए इसके किनारे को मोड़ के। और इस तरीके से हमें इसका देखिए सेंटर से फोल्ड कर लेना है, और इस पॉकेट को हमें इस तरीके से रखना है एकदम सेंटर पे। यूं जो जिप वाला हिस्सा है वो ऊपर स्क्वायर पीस की कन्नी की साइड होना चाहिए, और ऐसे हमें इसे रखना है, ठीक है, एकदम बराबर करके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मशीन के 1.5 पैर की, यानी कम से कम 1 सेंटीमीटर से कम चौड़ाई की स्टिच कर लेनी है। तो देखिए हमने किस तरीके से स्टिच करना है। जो कन्नी वाली साइड है उसे हमें रखना है जिप की तरफ, और इस तरीके से एकदम सेंटर पे इस पॉकेट को हमें रखना है, और करीबन अच्छा मार्जिन यहाँ पे रखना है, कम मार्जिन नहीं रखना है, जिससे कि पॉकेट का ये सिरा इस कपड़े के साथ बंद हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ, जो नीचे का एक्स्ट्रा किनारा है इसको आप अंदर की तरफ यूं फोल्ड कर लीजिए, और इसकी भी फिनिशिंग कर देंगे हम। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब जो दूसरी तरफ का पीस है इसको भी हमें एकदम सेंटर से फोल्ड कर लेना है। जो जिप वाली साइड है वो हमें कन्नी, मतलब जो पॉकेट की जिप वाली साइड है वो हमें स्क्वायर पीस के कन्नी वाली साइड पे रखना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर भी हमें अच्छा मार्जिन देना है ताकि पॉकेट का ये सिरा बंद हो जाए। और नीचे से इसका किनारा फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है हमने। अब हम इसे आगे पर्स के साथ स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये जिप वाली पॉकेट के दोनों तरफ हमने इस तरीके से ये फैब्रिक स्टिच कर लिया है। अब हम पर्स लेंगे, इस तरीके से हमें एकदम बराबर करके कपड़े को रखना है। और देखिए यहाँ पर ये जहाँ पर इसे फोल्ड होना है वहाँ पर मार्क लगा लेंगे, और इस पर्स को हमें ऐसे रखना है, सॉरी इस जिप वाली पॉकेट को हमें ऐसे रखना है, और इसका ये किनारा इधर इस हिस्से के साथ स्टिच होएगा यहाँ पर इस ब्लैक फैब्रिक पे यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसके किनारे अंदर की तरफ फोल्ड होएंगे और यहाँ। तो ये देखिए, हमें जो मार्किंग है उससे ऊपर की साइड
इस तरीके से इसके किनारे जो हमने जिप वाली पॉकेट के किनारे स्टिच किए हैं उसको हमें यूं स्टिच कर लेना है इसके साथ। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें जो मार्क है उसे ऊपर से हमें पॉकेट को स्टिच करना है। तो देखिए पर्स का ये इनर पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम देखिए दोनों साइड से इस तरीके का नज़र आएगा। अब हम इसे यूं स्टिच कर देंगे पर्स के बाहरी हिस्से के साथ। आप चाहे तो इसे ग्लू गन से पेस्ट। तो देखिए इस तरीके से हमें ये फैब्रिक स्टिच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने 18 नंबर की मशीन की सुई का इस्तेमाल किया है। बहुत ही हमें आराम से यहाँ पे स्टिच करना है क्योंकि जो हमने कार्डबोर्ड शीट जो है बहुत ज़्यादा मोटी यूज़ नहीं करनी है आप, नहीं तो जो मशीन की सुई है वो स्टिच नहीं कर पाएगी। तो देखिए यहाँ तक हमें स्टिच करा, फिर इसको ये वाला हिस्सा जो है ऐसे दस कर लेना हमें पूरा राउंड घुमाते हुए। तो देखिए दोस्तों ये पर्स बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी तो मतलब भूलिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।